अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? वेरी गुड स्टूडेंट्स। यू नो व्हाट इज़ अवर रिलीजन? अवर रिलीजन इज इस्लाम एंड वी ऑल आर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। जो फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? मुस्लिम्स, एज वी आर मुस्लिम्स। इसी तरीके से जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मुस्लिम्स। देर आर सो मैनी नॉन मुस्लिम रिलीजन्स, जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, ब्राह्मण्स हैं, बुद्धिज़्म हैं। ये सब डिफरेंट रिलीजन हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं। नॉन मुस्लिम रिलीजन में एक रिलीजन है हिंदुइज़्म। हिंदू एक ऐसा रिलीजन है जिसमें बहुत सारी कास्ट हैं। आपको पता है इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जिसने सबको बराबरी के हुकूक दिए हैं। इस्लाम ने वाज़े कर दिया है कि किसी भी अमीर को गरीब पर और गरीब को अमीर पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इस्लाम अल्लाह ताला की नज़र में, इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं और सबको एक जैसे हुकूक दिए गए हैं। मगर हिंदुइज़्म में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुइज़्म में डिफरेंट कास्ट बना दी गई हैं जो कि ताकत के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, माल और दौलत के हिसाब से अलग अलग कास्ट बना दी गई हैं। यहाँ तक के कुछ लोगों को जो कि बिल्कुल पुअर हैं उनको वो अपने साथ बिठाना भी पसंद नहीं करते। इसी तरीके से आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है द कन्वर्ट। द कन्वर्ट, द कन्वर्ट, रीड विद मी, द कन्वर्ट। वेरी गुड। इस चैप्टर में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी मौजूद हैं जो कि मुझे यकीन है कि आप लोग सीखना चाहते हैं और उन वर्ड्स को किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ड्स हम अपनी डेली लाइफ में भी हम बोल सकते हैं। आपको पता है इस चैप्टर में तमाम हिंदुइज्म के तमाम कास्ट को डिफाइन किया गया है। नाउ वी कम टू द न्यू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज कास्ट। कास्ट, रीड विद मी, कास्ट। कास्ट, आपको पता है कास्ट क्या होती है? यानी ऐसे डिवीज़न ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर देना जो कि वेल्थ के हिसाब से हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो उनके पास, बहुत ज़्यादा माल और दौलत हो उनके पास, ठीक है? उस हिसाब से हम उनको डिवाइड कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो वो ताकतवर कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े जैसे लोगों से ताल्लुकात वगैरह होते हैं तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। ये होती है डिफरेंट अलग अलग कास्ट। इस तरीके से हिंदुइज़्म में डिवाइड किया गया है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंस ऑफ वेल्थ। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, रीड विद मी, इंटेलेक्चुअल। वेरी गुड। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब है एजुकेटेड पर्सन, यानी कि आपके टीचर हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आपके फादर हैं, दे ऑल आर एजुकेटेड पर्सन, यानी कि वो पढ़े लिखे हैं, आपको अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। इंटेलेक्चुअल पीपल के साथ हमें मर्ज रहना चाहिए, यानी पढ़े लिखे लोगों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी एक्सपीरियंस के बिना पर हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। द नेक्स्ट वर्ड इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का क्या मतलब है? रिलीजियस बिलीफ, यानी मज़हब पर यकीन। जैसे हमारा बिलीफ क्या है कि हम सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं,
ये हम मुस्लिम्स का ईमान है, हमारा स्पिरिचुअल पावर है ये। इसी तरीके से हिंदू जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ही हाथों से बनाए हुए आइडल्स की पूजा करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जब ये आप इन्हें अपने हाथों से बना रहे हैं, हमें तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ठीक है। ये हमारा स्पिरिचुअल बिलीफ है और हम इसी को फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्राइस्ट, प्राइस्ट, प्राइस्ट। प्राइस्ट का क्या मतलब है, यानी हेड ऑफ चर्च। आपने चर्च देखा है, आपने कभी विजिट किया है? नहीं। आपको पता है जो एक कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो जो है वो बिलीव करते हैं, जैसे हमारी हमारी जो है वो, हम अपनी इबादत कहाँ जाके करते हैं, हम अपनी इबादत मस्जिदों में करते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ पर हम अपनी 5 वक्त की नमाज़ें अदा करते हैं। इसी तरीके से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो भी एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर अपनी इबादत करते हैं। तो जिस जगह पे वो जाते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, चर्च। हमारी मस्जिद हैं, हम अपनी मस्जिदों में जाकर इबादत करते हैं, वो जहाँ पर जाते हैं उस जगह को हम कहते हैं चर्च, वो उस चर्च में जाकर इबादत करते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वॉरियर, वॉरियर। से विद मी वॉरियर। वेरी गुड। वॉरियर मीन्स ब्रेव सोल्जर्स। आपको पता है जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान आर्मी है, कितने ब्रेव सोल्जर्स हैं जो हमेशा फाइटिंग के लिए रेडी रहते हैं, और हम अपने पाकिस्तान आर्मी के सपोर्टर्स हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, और हमें इस बात पर फख्र है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी हैव अ ब्रेव वॉरियर्स। उनके पास बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स हैं जो कि हमेशा सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेड, इन्वेड। से विद मी इन्वेड। वेरी गुड। वन मोर टाइम, इन्वेड। इन्वेड मीन्स कैप्चर, कैप्चर मीन्स यानी किसी भी चीज़ को पकड़ना, ठीक है, पकड़ना। आप जो हैं आप अपने मोबाइल से पिक्चर्स भी कैप्चर कर रहे होते हैं, इसी तरीके से आपकी, जब आप आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो आपकी छोटी बहन आपको छुपके से देख लेती हैं और फिर वो आपकी मम्मा को बताती हैं कि सर्दियों का सीज़न है और भैया तो आइसक्रीम खा रहे हैं, और फिर आप, ये क्या होता है कि आपकी सिस्टर ने आपको कैप्चर कर लिया, आपको पकड़ लिया, आपको आइसक्रीम खाते हुए देख लिया और उन्होंने जाकर मम्मा को शिकायत कर दी। तो ये क्या होता है, इन्वेड। दिस इज़ द राइट मीनिंग ऑफ इन्वेड। ओके, दीज आर द न्यू टर्मिनोलॉजीज विच वी यूज इन दीज, इन दिस चैप्टर। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू हैव टू डिस्कस दीज वर्ड्स विद योर पेरेंट्स, with your sister, with your brothers, and also with your teacher. Okay kids, take care. Allah Hafiz.